कायदे आज़म जो थे वो आए इधर एक दफ़ा, उन्होंने मिठाई खाई हमारी शॉप की, फिर उसके बाद मौलाना ज़फ़र अली, फिर नूरजहाँ, फिर मुन्नू भाई। दुनिया भर में भी लोग जाते हैं जब अपने साथ, तो वो मिठाई लेके जाते हैं सौगात के तौर पे। सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमें मतलब अपने प्यार में और खुशियों में शरीक रखें, और जिस तरह इतने सालों से सब ने सपोर्ट किया है। मैं वो शुरू शुरू में आई तो मुझे पता नहीं था लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीराबाद के लोग बहुत ही लविंग है और बहुत रिस्पेक्ट दिया सब ने मुझे। आप जॉब की बजाय अपना काम करें, दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि चाहे छोटा सा भी कोई काम हो, कोई रेडी पे भी आप खड़े हो जाओगे, डजंट मैटर। जो है ना ईद तक जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, मतलब 10-20% सारी चीज़ों के ऊपर, तो वो जब लोग आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उनको देंगे। एक ऐसी पाकिस्तानी खातून है मेरे साथ जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ, जिन्होंने अपने परदादा का कारोबार जो है वो संभाले हुआ है। तो ये कारोबार जो है इनका, ये बट स्वीट के नाम से, ये क्याम पाकिस्तान से कबल इसका आगाज़ हुआ जो कि इनके परदादा जान ने किया। तो ये सारा इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान बनने से कबल कौन कौन से लोग थे जिन्होंने ये बट स्वीट का आगाज़ किया, और ये दीगर किन किन ममालक में इसकी ब्रांचें हैं। ये कारोबार आज जो है ये फोर्थ जनरेशन जो है, ये मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ एज अ वेमन। आप एक कारोबार रन कर रहे हैं अपने परदादा का, वो भी कारोबार हमारे नौजवान के लिए, नौजवान नस्ल के लिए एक मोटिवेशन भी है। तो सबसे पहले मुझे बताएं ये जो बट स्वीट है, ये आपके परदादा का क्या नाम था, कब आगाज़ किया और कौन कौन लोग थे इसमें? मेरे परदादा जो थे वो करम पहलवान और उनके बेटे जो हैं हाजी शरीफ थे, तो उन्होंने पहले बाप बेटा ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसके बाद उनके बच्चे, फिर जो है मेरे दादा के जो दूसरे बेटे थे वो इस सारे बिजनेस में आए। आई थिंक इसकी जो पहली ब्रांच है वो वज़ीराबाद में बनी, वज़ीराबाद मेन बाज़ार में, जो कि वज़ीराबाद की तारीख की अगर बात की जाए तो ये 500 साल पुरानी तारीख है। तो ये कौन सा पॉइंट था जहाँ पे बनी और कौन कौन लोग वहाँ पर विज़िट कर चुके? ये वज़ीराबाद मेन बाज़ार जो समन ब्रिज है ना, उसके पास थी, और उसमें मतलब उस टाइम जो था वो आज़ादी की तहरीक चल रही थी, और उस मतलब कायदे आज़म जो थे वो आए इधर एक दफ़ा, उन्होंने मिठाई खाई हमारी शॉप की, फिर उसके बाद मौलाना ज़फ़र अली, फिर नूरजहाँ, फिर मुन्नू भाई, ये सब जो वज़ीराबाद के लोग हैं मतलब फेमस, इतने इतने ओल्ड टाइम से वो ये सब चल रहे हैं। इसके अलावा फिर दुनिया भर में भी लोग जाते हैं जब अपने साथ, तो वो मिठाई लेके जाते हैं सौगात के तौर पे, तो अपनी खुशियों में भी वो शामिल कर रहे होते हैं और एज अ गिफ्ट भी लोगों को वो दे रहे होते हैं। आपके दिल में कैसे आया कि मतलब और भी कोई काम कर सकते थे, ये मिठाई ही क्यों, ये तो वैसे लड़कों का काम है और आप इसमें छलांग लगा के कैसे? मैं जो है वो इंटरप्रेटर हूँ, मतलब मैं डिफरेंट तरह के काम करती हूँ। तो ये मेरे फादर जो थे उन्होंने मतलब मुझे कहा कि तुम जो है ना मतलब इस बिज़नेस में जाओ, वज़ीराबाद में एक नया ज़रा थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएगा। तो मेरे फैमिली माशाल्लाह, मेरे ताया चाचा सब ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, और आज मैं आपके सामने हूँ ताकि और लोग भी जो हैं जिनके पास भी बेटियाँ हैं या जो साहिब इस्तेदात हैं और वो अपना बिज़नेस करते हैं, अगर वो चाहें तो अपनी बेटियों को, बहू को, बीवी उनकी हेल्प कर सकती है उनके बिज़नेस के लिए। मैं ज़रूरी नहीं कि जॉब ही आप करो। एज अ फीमेल डिफ़िकल्ट लगता है ये, मतलब ये मिठाई का काफ़ी लोग आते होंगे, जेंट्स भी आते होंगे? हाँ, मतलब ऑब्वियसली जब मैं वो शुरू शुरू में आई तो मुझे पता नहीं था लोगों का रिस्पांस क्या है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीराबाद के लोग बहुत ही लविंग है और बहुत रिस्पेक्ट दिया सब ने मुझे, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इससे रिलेटेड। और मैं चाहती हूँ कि बाकी सारी फीमेल्स जो हैं, अल्लाह ताला मीन जब वो भी कोई ऐसा इनिशिएट लेती हैं तो उनके लिए भी उतने ही ज़्यादा सपोर्टिव हैंड्स हों और उनको लोग उतना सपोर्ट करें। सो इट्स बेस्ट। ये 90 साल से ज़ायद हो गया, आज एनिवर्सरी मनाई जा रही है, तो इन सालों में कितनी ब्रांचें बनाई हैं और कहाँ कहाँ बनाई? ये जो थी मीन हमारी ब्रांचेस तो इस दौरान बनती रही हैं, लेकिन एक कुवैत में, यूएई में थी सॉरी, और कनाडा में है, और अभी यहाँ पे दो हैं। हमारे जो व्यूवर्स हैं अगर वो भी देख सकें, बट स्वीट के नाम से, तो उधर यूएई में तो बट स्वीट के नाम से, और इधर जो आई मीन कनाडा में अल करम स्वीट्स के नाम से, और यहाँ पे जो है वो बट स्वीट के नाम से ही है, वो तो आपको पता ही है। आपकी मिठाइयाँ, आगे मीठी ईद भी आ रही है, तो ये मिठाइयाँ ज़्यादा कौन लोग डिमांड करते हैं बट स्वीट्स? अच्छा, कुछ लोग जो है वो उनका स्वीट टूथ जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब वो ज़रूरी नहीं कि वो कुछ इवेंट का वेट करते हैं ना मिठाई के लिए, वो लोग वैसे भी खाते हैं और इवेंट्स पे तो ज़्यादा हो जाता है। और अभी हमने इसको मिठाई के साथ इसकी बेकरी भी ऐड कर लिया है, फिर उसके बाद जूसेस और बाकी सब चीज़ें भी रेस्टोरेंट के फार्म में भी चले जाएंगे इंशाल्लाह, ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करेंगे। बस ये है कि मेरी ये है, अब सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमें मतलब अपने प्यार में और खुशियों में शरीक रखें, और जिस तरह इतने सालों से सब ने सपोर्ट किया है,
आगे भी वो हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। तो मैंने सुना है कि जब पाकिस्तान बना था तो बटरस्वीट की मिठाई बड़ी चली थी, उसकी बात किसी दादा पर दादा ने? हाँ, वो मेरी एक ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड ग्रैंड मदर जो थी वन, तो वो अक्सर बच्चों जिस तरह बैठते हैं तो वो स्टोरीज करती हैं, मतलब उस टाइम पे ये हुआ, ऐसे हुआ, तो वो सुनाती थी कि मतलब वो ये है कि ज़ाहिर है जिस तरह मतलब उस टाइम पे अगर आपको भी आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ हो या कोई बात किसी से सुनी हो तो मतलब उस टाइम लोग थालों में मिठाइयाँ बेचते थे और मिठाइयाँ थालों के थाल जाती थी ना, और यही लोगों के पास एक सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट होता था। तो वो उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो जैसे अभी मैच में लोग जाके वो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो था मतलब उस टाइम शॉप्स भी कम थी, इतना कंपटीशन भी नहीं था, इतनी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल भी नहीं थी, तो फिर हमारी शॉप से ही तकरीबन हर घर में मिठाई जाती थी। तब तो मुसलमान भी थे, सिख भी थे, तो सिख जो हैं वो मेरे अभी मतलब मेरे फादर तक जो हैं, मतलब मेरे जो दादा के फ्रेंड थे उनके बच्चे मतलब वो आते जाते रहते थे जब पाकिस्तान आते हैं, या मेरे जो पेरेंट्स मीन वो भी इंडिया वगैरह जब इस तरफ जाते थे तो वो सिख तो उनके फ्रेंड थे ना, तो एग्जैक्टली जी। अच्छा, ये कैसे करते हैं मैनेज, कैसे बनाते हैं आप? ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और मतलब आपको पता है कि दूध और घी और चीज़ खुद बनाते हैं जी, बिल्कुल। इसका इसकी लज्जत भी इसी वजह से ये है कि मेरे अपने भाई, फादर, मेरे चचा जो हैं वो साथ खुद कारीगर के साथ मिलके वो सब एक टीम वर्क के साथ आई मीन काम करते हैं और लोगों के तक जो है ना वो सही प्रोडक्ट्स जाते हैं, तक केमिकल्स हमारे बीच में नहीं यूज़ होते, तो इस वजह से उसका टेस्ट भी उसी तरह से ही है और वो चीज़ें भी उसी तरह से ही हैं। फाइनली आखिरी मीठा पैगाम, चूँकि मीठी ईद भी आ गए तो मिठाई की दुकान पे खड़ो, क्या पैगाम देते हैं हमारी जो बहनें हैं, माई बहनें जो देख? मुझे मतलब मेरा मैसेज तो यही है कि आप जॉब के बजाय अपना काम करें, दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि चाहे छोटा सा भी कोई काम हो, कोई रेडी पे भी आप खड़े हो जाओगे, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप खुद अपने हाथ से कमा रहे हो, सही है। और दूसरा खुशी के मौके पे ये है कि हम डिस्काउंट अभी चला रहे हैं, मतलब आज से हमारा वो शुरू हुआ है कि हमारी बर्थडे है तो हम जो है ना ईद तक जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, मतलब 10-20% सारी चीज़ों के ऊपर, तो वो जब लोग आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उनको देंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ पाकिस्तानी खतून मिस मरियम, जिन्होंने अपने परदादा का कारोबार जो है वो संभाला है और इस काम में इनके भाई जो है वो भी इनके साथ तावन कर रहे हैं, और इनका कहना था कि ये जो बट स्वीट है ये 1932 में ये बना, तो इनके परदादा जान ने इसको इसका आगाज़ किया, उसके अलावा इनके फिर दादा जान, फिर आगे इनके वालिद, और जब पाकिस्तान बना तो 1947 में, तो तब भी यहाँ पर जो है मुख्तलिफ मुसलमान थे, सिख थे, जिन्होंने इनकी जो मिठाइयाँ बड़े बड़े थालों में वो भी तकसीम की, और मौलाना ज़फ़र अली खान जैसी शख्सियात, कायद अजम मलका नूरजहाँ जो कि वज़ीराबाद में जब वो आए तो उन्होंने इनकी मिठाई वो भी मतलब टेस्ट की, और इनकी मिठाई जो है ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालक में भी एज आ सौगात वज़ीराबाद की वो भी भेजी जाती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे आजकल के नौजवानों के लिए एक मैसेज भी है कि एक बाहिम्मत खातून मेरे सामने जो कि अपने परदादा का कारोबार जो है वो संभाले हुए है, तो दीगर खवातीन को भी इन्होंने पैगाम दिया कि खवातीन को जॉब तो करते हैं लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना कारोबार करें, जैसे भी हो, चाहे वो एक स्टॉल ही क्यों ना हो। तो ये एक अच्छा जो है एक मैसेज है। फलक शेर को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।